हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। आईफोन 13 परचेज करें या फिर आईफोन 12, बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही है क्योंकि आईफोन 13 का जो है प्राइस ड्रॉप होने वाला है। आईफोन 13 मेड इन इंडिया होने वाला है और आईफोन 12 जो है एक बेस्ट बजट आईफोन हम लोग बोल सकते हैं। तो आईफोन 13 और आईफोन 12 कौन सा परचेज करें, क्या आईफोन 13 का प्राइस ड्रॉप होगा नहीं होगा, कितना होगा, ये सारी चीजें मैं आज वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। आप लोग चैनल पर जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वाली वीडियोज मैं ऐसी लाता रहूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आजकल बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो मेक श्योर आप लोगों ने जो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बहुत लोगों को लग रहा था कि प्राइसिंग, तो अभी जो है आईफोन 12 64 जीबी से स्टार्ट होता है और आईफोन 13 जो है वो 128 जीबी से स्टार्ट होता है। तो कंफ्यूजन सबसे बड़ी यहां पे ये है कि 64 जीबी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई है 64 जीबी इन 2022, तो वहां पे मैंने क्लियर कट बोला कि नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, यहां पे आई बटन में लिंक आएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग जो सीधे कंपैरिजन करेंगे आईफोन 12 128 जीबी वर्सेस आईफोन 13 128 जीबी, परफॉर्मेंस वगैरह की हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है। जो मेन डिफरेंसेस है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो आता है वो आता है प्राइसिंग। यहां पे तो आईफोन 12 64 जीबी की जो प्राइसिंग है वो अराउंड 66,000 रुपीस है और आईफोन 13 की आफ्टर कार्ड डिस्काउंट जो प्राइसिंग है वो 74,000 रुपीस है। तो अराउंड 9,000 रुपीस का, 10,000 रुपीस का हम लोगों को डिफरेंस देखने के लिए मिलता है अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो। एंड एक और चीज, बहुत सारे लोगों के पास एचडीएफसी कार्ड नहीं था लेकिन अब जो है पॉलिसी चेंज हो चुकी है, तीन नए कार्ड इंट्रोड्यूस हो गए हैं, एचडीएफसी हट चुका है, आईसीआईसीआई, एसबीआई और कोटा की तीन आप लोगों को जो है बैंक्स देखने के लिए मिलेंगे जहां पे आप लोगों को कैशबैक देखने के लिए मिलेगा। तो अब अच्छी बात है, मैक्सिमम लोगों के पास अगर ये कार्ड्स अवेलेबल होंगे, तीन में से कोई एक कार्ड तो अवेलेबल हो गई, तो आप लोगों को जो 6,000 का कैशबैक भी मिल जाएगा। तो आईफोन 13 आईफोन 12 128 जीबी वर्सेस 128 जीबी में जो है 10,000 रुपीस का डिफरेंस है। तो अब क्या 10,000 रुपीस का डिफरेंस वर्थ है या फिर नहीं है, तो उसके ऊपर जो हम लोग बात करेंगे आगे। लेकिन अभी बात यहां पर यह है कि नेक्स्ट जो प्राइस ड्रॉप होने वाला है उसके बाद हम लोगों को क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो जो नेक्स्ट प्राइस ड्रॉप होगा उसमें आप लोगों को जो है सेम प्राइसिंग देखने के लिए मिलेगी, मतलब 10,000 रुपीस का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। आईफोन 12 128 जीबी का अगर हम लोग ऑनलाइन बात करें जो प्राइस ड्रॉप होगा तो वो 56,000 से लेके 58,000 रुपीस तक होगा, जो भी आपको 66,000 रुपीस का मिल रहा है, तो कुछ 7-8,000 का आपको प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा 2022 में। और वहीं पे आईफोन 13 अगर हम लोग बिल्कुल पीछे चले जाएं आईफोन 12 की तरफ, तो जो आईफोन 12 का फर्स्ट डिस्काउंट हुआ था वो 68,000 रुपीस का हुआ था। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आईफोन 13 की भी तो वो 68,000 रुपीस ही जाएगा, तो अगेन सेम 10,000 रुपीस का डिफरेंस आ जाएगा। तो जो प्राइसिंग होने वाली है वो मैंने आपको बता दी, 68,000 प्राइसिंग होने वाली है यहां पे आईफोन 13 की और 58,000 रुपीस हमें प्राइसिंग होने वाली है आईफोन 12 की। दोनों 128 जीबी मॉडल्स, 64 जीबी मॉडल परचेज मत करना। और यहां पे जो है कार्ड डिस्काउंट इंक्लूडेड है दोनों में ही, क्योंकि दोनों में जो आपको अब एक्स्ट्रा कैशबैक देखने के लिए मिलता है 6,000 रुपीस का। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे डिफरेंसेस क्या क्या है और आपको ये प्राइस ड्रॉप कब देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले जो है आईफोन 13 और आईफोन 12 में जो भी डिफरेंसेस है, अगर मैं यहां पे कंपैरिजन की बात करूं तो मेरे को मेनली जो कंपैरिजन देखने के लिए मिलता है वो कैमरा में देखने के लिए मिलता है। और एक और चीज, आईफोन 13 नया मॉडल है, आईफोन 12 एक पुराना मॉडल है, तो वो भी चीज एक माइंड में रहती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे आईफोन 13 में और आईफोन 12 में क्या डिफरेंसेस है मेन, तो सिनेमैटिक मोड और फोटोग्राफिक स्टाइल्स, ये दो चीजें एप्पल ने जो है फीचर ऐड करा है आईफोन 13 सीरीज में। वीडियो वाइज सिनेमैटिक मोड देखने के लिए मिलता है 30 FPS तक आपको, और फोटोग्राफिक स्टाइल में आपको जो है कुछ फिल्टर्स देखने के लिए मिलते हैं जहां पे अपनी फोटोज को और एनहांस कर सकते हो। उसके बाद यहां पे जो आपको कैमरा की अगर मैं बात करूं नॉर्मली डे नाइट परफॉर्मेंस की, तो यहां पे जो इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है, मैंने बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह करी आईफोन 13 सीरीज के साथ आईफोन 12 सीरीज के साथ, तो मेरे को सिर्फ 30% इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है। यस, बहुत केसेस में आईफोन 13 बहुत ज्यादा आ गया, डिपेंड करता कैसे इन्वायरमेंट में हो, डे लाइट में हो, सनलाइट कहां से आ रही है, तो वो बहुत सारी चीजें जो है मैटर करती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है मैंने देखा कि 30-40% की जो है इंप्रूवमेंट आईफोन 13 सीरीज में। और एक और चीज, आईफोन 12 सीरीज में भी अगर मैं बात करूं, आईफोन 12 बहुत जगह जो अच्छी परफॉर्मेंस करता है अगर मैं कंपेयर करूं आईफोन 13 सीरीज की। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि आईफोन 12 बहुत सारे टाइम पे जो है आईफोन 13 से बेटर है इन टर्म्स ऑफ कैमरा, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद बात रही यहां पे बैटरी की, तो बैटरी में जो है मेरे को ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता, ऑब्वियसली नया फोन है, नई चिप है, तो बैटरी में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगी जो एप्पल बोलता है 2 घंटे एक्स्ट्रा, तो ये बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद ब्राइटनेस का डिफरेंस है आईफोन 13 सीरीज में जो है मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस बोल सकते हैं हम लोग यहां पे 800 निट्स की, और वहीं पे आईफोन 12 में जो है 625 निट्स की है, तो वो एक डिफरेंस यहां पे जो है कैलकुलेट होता है। उसके बाद डुअल ईसिम सपोर्ट आपको आईफोन 13 सीरीज में देखने के लिए मिलता है, आईफोन 12 सीरीज में सिर्फ एक ईसिम यूज कर सकते हो लेकिन आईफोन 13 सीरीज में जो है दो ईसिम आप यूज कर सकते हो, तो वो आईफोन 12 सीरीज में जो आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो यही जो है मेन डिफरेंसेस है। बाकी अगर हम लोग बात करें फीचर्स वगैरह की, वो मैंने आपको बता दिए, और जो हार्डवेयर चीजें हैं मतलब डायगोनल कैमरा वगैरह, तो वो आपकी खुद की चॉइस होगी कि आपको जो है कौन सा फोन बाहर से पसंद है, कौन से कलर्स पसंद है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट चीज कि जो भी ये डिफरेंसेस है, क्या ये वर्थ है, मतलब आईफोन 13 वर्थ है अगर हम कंपेयर करें आईफोन 12 से, तो मैं बोलूंगा कि अगर
अगर आपको नीड, अगर आप बहुत सारी फोटोज वगैरह क्लिक करते हो, फिर आप चाहते हो कि आपके पास एक लेटेस्ट मॉडल हो, क्योंकि जो है लास्ट अगर हम लोग बात करें अभी कुछ महीने पहले तो आईफोन 12 सीरीज में जो है लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, लेंस फ्लेयर के इश्यूज है, बैटरी ड्रेन के इश्यूज है, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को ही प्रॉब्लम है, क्योंकि एप्पल जब एक नया सॉफ्टवेयर पुश करता है iOS 15 आया तो पुराने मॉडल में जो है कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो उस तरीके से जो है आईफोन 13 और आईफोन 12 का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो जिन लोगों को कैमरा वाइज वीडियो वाइज कुछ शूटिंग वगैरह करनी है, कंटेंट बनाना है, तो डेफिनेटली जो 10,000 रुपीस का डिफरेंस है वो वर्थ है। और अगर आप 128 GB ले रहे हो तब भी मैं बोलूंगा कि 13 सीरीज जो है वर्थ रहेगी, क्योंकि नया मॉडल है, डिसकंटिन्यू पहले नहीं होगा, रीसेल वैल्यू ज्यादा मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज कि आपको कितना वेट करना पड़ेगा आईफोन 13 के प्राइस ड्रॉप के लिए, तो जो पहला प्राइस ड्रॉप होने वाला है वो अभी रिपब्लिक डे सेल पे हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। 20 जनवरी को जो है पहली सेल स्टार्ट होगी, शायद अमेजोन की होगी या फिर फ्लिपकार्ट की होगी, मैंने वीडियो बनाई आई बटन में, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और ऐसे जो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, फिर प्राइम डे सेल आएगी और प्राइम डे सेल में भी जो आपको अच्छी प्राइसिंग देखने के लिए मिलेगी, मतलब सेम रिपीट होने वाला जो आईफोन 12 सीरीज साथ हुआ सेम आईफोन 13 सीरीज साथ होगा। आईफोन 13 मिनी में जो आपको फर्स्ट टाइम जो अच्छा प्राइस ऑफ देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली इस सेल में, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, तो प्राइसिंग जो अच्छी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कंक्लूजन की, अगर मैं अपना आप लोगों को रीजन दूं, अगर मेरे को परचेस करना होता आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 12 में, तो दो चीजें हैं। अगर आप 64 GB प्लान कर रहे हो कि 64 GB भी आप यूज कर सकते हो, आपको 64 GB से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आईफोन 13 सीरीज को आप भूल जाओ, आईफोन 13 सीरीज लेने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि प्राइसिंग में डिफरेंस है। फिर अगर जब प्राइसिंग में डिफरेंस आता है तो जो फीचर्स है और जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। उसके बाद अगर आप 128 GB लेना चाहते हो तो मैं बोलूंगा कि जो 10,000 रुपीज है वो डेफिनेटली वर्थ है, चाहे आपको कैमरा की नीड है या फिर नहीं है। और अगर आप थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ 2 से 3 महीने की बात है, और आपको जो अच्छा प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिल जाएगा आईफोन 13 सीरीज पे, और वो 10,000 रुपीस प्लस जो 2-3 महीने का वेट रहेगा वो वर्थ होने वाला है। और आपको जो है आगे रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलेगी, एक नया मॉडल भी आपके हाथ में होगा, iOS 15 लेटेस्ट फीचर होगा, A15 बायोनिक चिप है, तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। तो बस ये था मेरा आज का कंपैरिजन, बहुत सारे लोग ये चीज पूछ रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। एक चीज और आप लोगों ने नोटिस किया होगा, यहां पे दो जो है लेदर केसेस पड़े हुए हैं मेरे आईफोन 13 प्रो मैक्स एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स पे, तो अभी जो मैं इन केसेस की टेस्टिंग कर रहा हूं, दोनों डिफरेंट क्वालिटीज है, क्योंकि CaseGear.in पे जो आप लोगों के लिए लेदर केसेस हम लोग बहुत जल्दी लाने वाले हैं, तो आप लोग लेदर केसेस चाहते हो या फिर नहीं चाहते कमेंट सेक्शन में जरूर आना, और कौन सा कलर ये भी, क्योंकि हम लोग जो है सारी चीजें रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा कलर फेवरेट है और कौन सी क्वालिटी आपके लिए बेस्ट होगी विद अफोर्डेबल प्राइसिंग, तो उसका आप लोग जो है जरूर वेट करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।